अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। ठीक है, सेकेंड ईयर के जो हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें डिफाइन करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हमें ये वाली बात पता है कि मेंडल ने जो है वो दो लॉ प्रेजेंट की थी, एक तो थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरी थी हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट, जिसे मेंडल सेकेंड लॉ भी कहा जाता था। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अजॉटमेंट तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ईच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट। इसका मतलब क्या होगा कि हर ट्रेट के लिए, अब ट्रेट मतलब कोई भी फीचर हो सकता है, फॉर एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, हर ट्रेट के लिए जो है दो फैक्टर्स या दो जीन मौजूद होती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट्स बनते हैं तो क्या होता है, जब गैमीट्स बनते हैं ना, तो ये वाली बात लिखी हुई है कि द अलील्स फॉर ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट। अब वो एलील्स जो होती हैं, दो जीन जो एक ही लोकेशन पे होती हैं आमने सामने, वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं और डिफरेंट गैमीट्स में चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक जो है एक गैमिट में चला जाता है, एक एक में। तो जो एक अलील थी, यानी फॉर एग्जांपल हेयर कलर की अगर बात करूँ, एक ब्राउन कलर वाली थी, एक ब्लैक कलर वाली थी, तो वो दोनों अलग अलग गैमीट्स में चली जाती हैं। तो इस तरह क्या होता है, दस ईच गैमीट कंटेन ओनली वन अलील ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इस तरह जो है हर गैमीट के पास सिर्फ एक अलील होती है पर्टिकुलर कैरेक्टर की, एक जीन होती है। फॉर एग्जांपल इसके पास ब्राउन कलर वाली चली गई, इसके पास ब्लैक कलर वाली चली गई। तो इससे क्या होता है कि दिस सेपरेशन ऑफ अलील इज कॉल्ड एज, अब इससे ये होता है कि जो एक कैरेक्टर गया है ना, उसे हम प्योर कहेंगे। पहले उसके पास जो सेल था उसके पास ब्लैक और ब्राउन दोनों की एलील्स थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब सेग्रीगेट हो गए अलग अलग गैमीट्स में पास हो गए, तो अब ये हुआ कि एक इधर चले गए एक उधर, और ये प्योर कहलाएंगे, यानी कि एक के पास सिर्फ ब्लैक है और एक गैमीट के पास सिर्फ ब्राउन है। तो इस चीज को हम कहेंगे दिस सेपरेशन ऑफ एलील इज नॉन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, हुआ ये कि एक दो एलील्स मतलब दो जीन्स थी ना, तो जब मेयोसिस हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुआ, एक गैमीट के अंदर एक अलील चली गई और एक गैमीट के अंदर एक अलील चली गई, और इस तरह ये गैमीट प्योर कहलाए। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या था, इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे कि मेंडल ने जो है ना सेवन डिफरेंट ट्रेट्स क्रॉस करवाए थे पी में, जिसमें एक जो था ना वो था क्रॉस बिटवीन पर्पल फ्लावर पी एंड व्हाइट फ्लावर पी, यानी कि पर्पल कलर के फ्लावर पी प्लांट्स में और व्हाइट कलर फ्लावर पी प्लांट्स में जो है उन्होंने क्रॉस बनवाया, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। जो एक ट्रेट का क्रॉस होता है वो होता है मोनोहाइब्रिड, और जिसमें हम मतलब दो सेट्स लेते हैं वो होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो कि हमने अजॉटमेंट में पढ़ा था। पर्पल फ्लावर पी जो होते हैं वो ट्रू ब्रीडर्स थे, यानी कि वो होमोजाइगस थे। होमोजाइगस थे पर्पल फ्लावर के लिए, दोनों जीन्स जो थी उनकी यानी वो डोमिनेंट थी पहली बात तो, और उसके बाद ये बात भी थी कि दोनों होमोजाइगस थी यानी सेम जीन्स थी। जबकि जो व्हाइट फ्लावर पी थे वो भी ट्रू ब्रीडर्स थे, लेकिन वो देखने में पता चल रहा है रिसेसिव एलील, यानी कि इसको जाहिर होने के लिए दोनों का एक जैसा होना लाजमी है। अब मेंडल ने इनको क्या कहा, पेरेंट्स कह दिया। ठीक है, जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया ना, तो क्या हुआ और सीड हासिल किए गए इस क्रॉस से, तो वो जिस सो करके तो सारे किस कैसे थे, पर्पल फ्लावर थे। F1 जनरेशन में सारे फ्लावर्स जो बने वो पर्पल कलर के फ्लावर्स बने। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने ये किया कि ही अलाउड द प्लांट्स टू इंटरब्रीड या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ही सॉ दैट पर्पल फ्लावर्स एग्रीगेटेड फ्रॉम व्हाइट फ्लावर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका मतलब ये कि जब वो फ्लावर्स, यानी कि उन्होंने पहले सीड लिए दो अलग अलग, उसके बाद उन्हें सो कर दिया, पर उसमें से सारे पर्पल ही फ्लावर्स आए, फिर उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट पॉलिनेशन करवाई, तो क्या हुआ कि पर्पल फ्लावर्स जो थे वो सेग्रीगेट हो गए फ्रॉम द व्हाइट फ्लावर्स, यानी कि कुछ पर्पल फ्लावर्स आए और कुछ व्हाइट फ्लावर्स आए इन द रेशियो ऑफ 3:1, तीन पर्पल फ्लावर्स तो एक व्हाइट फ्लावर। अब ये चीज यहाँ पे इन्होंने क्या बताई है, देखते हैं कि
दिस शोड दैट द पर्पल एंड व्हाइट रेड कुड नॉट मिक्स. अब इस चीज से ये जाहिर हुआ कि जो पर्पल और व्हाइट रेड थी वो आपस में मिक्स नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुआ था, दे सिंपली रिमेन टूगेदर, रही तो वो साथ में थी लेकिन क्या हुआ था, विदाउट कंटेमिनेटिंग ईच अदर, एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं किया था, एक दूसरे में मिक्स नहीं हुई थी. हालांकि जो कैरेक्टर विच शोड इट्स अपेयरेंस इन F1 जेनरेशन वॉज कॉल्ड अ डोमिनेंट कैरेक्टर, जो पहली बारी में शो हुआ था ना, यानी F1 जेनरेशन में जो सारे पर्पल आए थे, तो उससे ये जाहिर हुआ था कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि अगर उसमें एक भी कैपिटल वाई आ जाता तो वो पर्पल कलर शो करेगा, यानी होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, जबकि व्हाइट वाला जो था वो रिसेसिव था, उसको शो करने के लिए दोनों का होमोजाइगस होना लाजमी था. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इन द कैरेक्टर विच कुड नॉट शो इज अपेरेंट इज अ रिसेसिव वन, ये वही वाली बात बता दी. दिस डोमिनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, अब ये डोमिनेंस जो है हमारी डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास चेकरबोर्ड मेथड आ जाता है. तो चेकरबोर्ड मेथड में क्या होता है कि पेरेंट्स, वही चीज जो पीछे उन्होंने बताई थी ना, मैंने बताई थी आपको कि एक वाइट लिया था, पर्पल लिया था, दोनों का क्रॉस बनवाया था, तो वो चीज हम चेकरबोर्ड में समझते हैं. एक पर्पल फ्लावर लिया था होमोजाइगस और एक व्हाइट फ्लावर लिया था होमोजाइगस, ये रिसेसिव था, ये डोमिनेंट था, ये बात हमें बाद में पता चली थी F1 जनरेशन से. जब गैमीट्स बने ना इनके, तो एक वाई हो गया, मतलब एक वाई अलग चल जाएगा, एक स्मॉल वाई आ जाएगा, एक स्मॉल वाई अलग, दो दो गैमीट्स बन जाएंगे. फिर इनके एक एक गैमीट्स आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाएंगे, एक गैमीट यहां से आएगा, एक वाई यहां से आएगा और एक वाई यहां से आएगा, तो ये हो गया नॉर्मली, इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस. और ये जो है, लो मैंने रेड लिख दिया यहां पे, पर्पल फ्लावर बनाएंगे. ठीक है, सारे जो थे F1 जनरेशन के वो हमारे पास बनाएंगे क्या, पर्पल फ्लावर्स हैं, तो हेट्रोजाइगस लेकिन पर्पल होंगे. दूसरा वाला भी जो कैपिटल वाई था और इधर वाला स्मॉल वाई था, वो भी आपस में कंबाइन करके पर्पल ही बनाते हैं, क्योंकि एक भी डोमिनेंट अगर जीन होगी तो वो स्टेट को जाहिर कर देगी. फिर हमने उसी के जो, मतलब यही वाले सारे पर्पल फ्लावर्स थे, उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाया एक ही विद इन द सेम प्लांट, तो जाहिर है फिर इसके गैमीट जो बने होंगे तो वो यही बने होंगे, एक ये और एक ये. ठीक है, तो एक यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल एन स्मॉल वाई, एक यहाँ ले लिया कैपिटल एन स्मॉल वाई, इसी के गैमेट्स को आपस में. अब इन दोनों का आपस में जब हमने क्रॉस बनवाया तो इसमें क्या हुआ हमारे पास F2 जनरेशन में, कि ये कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. तो हुआ क्या कि एक दो तीन, इन तीनों में एक डोमिनेंट भी आ गया तो ये कैरेक्टर शो करेंगे, तो तीन तो हमारे पास जो आ गए वो पर्पल आ गए, और एक जो आ गया वो हमारे पास आ गया क्या, व्हाइट, क्योंकि अगर रिसेसिव है और दोनों आ जाते हैं तो फिर ये ट्रेट शो होगा. एक जो है हमारे पास व्हाइट आ गया, तो अब इस व्हाइट में जो है ना, अब कुछ इसमें होमोजाइगस हैं, कुछ हेट्रोजाइगस हैं, तो ये चीज जो है यहाँ पे हमने लिख के दिखा देंगे कि जो हमने अबव ऊपर क्रॉस बनाया है उसमें कौन कौन से रिजल्ट हमारे पास आए हैं. पर्पल ये था, एक पर्पल ऐसा था, एक ऐसा था और एक ऐसा था, तो ये वाला तो जो था जिसमें सेम थे वो होमोजाइगस था, और जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला था वो दोनों क्या थे, हेट्रोजाइगस थे. और ये वाला व्हाइट जो कि दोनों है, मतलब रिसेसिव थे, वो होमोजाइगस था, और रिसेसिव ट्रेट शो करने के लिए जरूरी है कि वो होमोजाइगस हो. फीनोटिपिक रेशियो जो आया वो तो आया, यानी देखने में जो थे वो तो 3:1 थे, यानी कि ये तीन पर्पल और एक ये व्हाइट. लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो होगा 1:2:1, मींस पहला वाला होमोजाइगस पर्पल था, दूसरा वाला दो जो थे बाकी के वो हेट्रोजाइगस पर्पल थे, और लास्ट वाला जो था वो वन, यानी होमोजाइगस व्हाइट था, और हेट्रोजाइगस तो था नहीं, तो इसलिए हमने उसका रेशो यहाँ नहीं लिखा. अक्रॉस, अब यहाँ पे वही मोनोहाइब्रिड वाली बताई हुई है कि ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल ट्रेड हम क्रॉस करवाएं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्पल और एक व्हाइट, तो उसे मोनोहाइब्रिड कहते हैं. और अगर हम दो दो ट्रेड्स ले लें, यानी कि यहाँ पे जो है दो चीजें ले लें, मतलब ग्रीन रिंकल एंड, और यहाँ पे ग्रीन और रिंकल ले लें, वहां पे कुछ येलो राउंड ले लें, दो दो ट्रेड्स ले लें और उनको आपस में क्रॉस करवाएं, तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.